हेलो, मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फाइंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। अब फाइंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे व्हाट इज आइटम सेट्स एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट इन द आइटम सेट्स। सो सपोज हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है लाइक आई एंड आई वन। अब आई वन इक्वल्स टू वन टू एंड थ्री, वेर इज दिस इक्वल्स टू टू एंड थ्री। अब ये ट्रांजेक्शन है और उसके अंदर ये जो सेट है लाइक वन टू थ्री, दीज आर नोन एज आइटम सेट्स। अब आई और आई वन में जो दो रिपीटेशन हो रहे हैं लाइक हियर टू एंड थ्री एंड टू एंड थ्री, ये रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, सो दे आर नोन एज फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन द बोथ ट्रांजेक्शन। यानी कि ये दो ट्रांजेक्शन में फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हो रहा है दैट इज टू एंड थ्री, दे आर नोन एज फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। अब सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो इस ट्रांजेक्शन में फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स किस तरह से फाइंड करना होगा। सो इसके लिए दो अल्गोरिदम्स है, फर्स्ट इज एप्रेवी अल्गोरिदम एंड नेक्स्ट वन इज एफपी ग्रोथ अल्गोरिदम। सो दोनों में डिफरेंस क्या है एंड विच वन इज एफिशियंट मोर, सो लेट अस डिस्कस। एप्रेवी अल्गोरिदम में आपको कैंडिडेट जनरेशन करना है, सो हियर वी विल राइट कैंडिडेट जनरेशन। And whereas in FP growth, you have to draw FP tree. अब a priori algorithm में candidate generation होगा and here FP tree आपको generate करना होगा. So दोनों में से better कौन सा है? It is FP tree because a priori algorithm में आपको पूरा database scan करना होगा and it will be very heavy for the application. Whereas FP growth में जो frequent patterns generate हो रही है तो उसका एक tree structure create करना है। So one by one हम देखेंगे what is a priori and FP growth with the help of one example. So इससे पहले कि मैं example आपको explain करूं, I would like to tell that आपको यहाँ पे दो terms समझनी होगी। First one is support and confidence. So What is support and confidence? यानी कि ये वो support और confidence नहीं है जो हमारे motivation में आता है। It is the support and confidence which is required in a priori as well as in FP growth. Support count यानी कि आपके जो data set में continuously जो repeat हो रहा है उसका एक support count होगा। And here confidence that is meant also in the a priori algorithm. So यहाँ पे मैं आपको एक example explain करूँगा, उसमें ये दोनों terms को explain कर दूँगा। Now, in a priori algorithm, आपको support, there is a requirement of support as well as in the confidence. But FP growth में आपको सिर्फ support count की जरूरत है, there is no need of confidence in the term. मैं repeat करता हूँ, a priori algorithm में आपको support and confidence both are necessary, whereas FP growth में आपको सिर्फ support चाहिए. That's this term support. So first of all, let us understand a priori algorithm and the example of a priori algorithm. इससे पहले कि मैं a priori algorithm का example start करूं, I would like to note you that आप notebook लेके बैठिए because there is no space, so I have to remove all this content from here. Example is long. So यहाँ पे एग्जांपल में ट्रांजेक्शंस दिए हुए, देर आर फोर ट्रांजेक्शंस आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर और ये इसके आइटम सेट्स हैं। अब इसके ऊपर हमें a priori algorithm अप्लाई करना है। सो a priori algorithm में आपको दो चीजें और दी होगी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस। अब ये दोनों यहाँ पे 50% दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोर्ट को परसेंटेज में से एक पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। सो देर इज अ मेथड, यू हैव टू सिंपली डिवाइड 50 बाय 100 and multiply with the number of transactions, that is 1, 2, 3 and 4. So I will like multiply here. So simply आपको एक answer मिलेगा यहाँ पे, it is 2. So support count आपको मिला है यहाँ पे 2. So using this we will fill up all the tables. So यहाँ पे जितने भी item sets है A, B, C, D, E, F. So उसको एक table में first of all fill up करना है and we would like to call this table as C1, that means we are generating the candidates.
सो ये कैंडिडेट होगा एंड इसमें आइटम्स लाइक सेट ए बी सी डी ई एफ आपको इंडिविजुअली फिलअप करने हैं। नाउ उसका सपोर्ट काउंट करना है। सो व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ ए, यानी कि आपको चेक करना है कि इस टेबल में ए कितनी टाइम्स आ रहा है। सो हियर इज 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे आपको फिलअप करना है सिंपली 3। अब चेक करना है बी के लिए, तो बी के लिए आएगा आंसर इट इज 2। सो फॉर सी इट इज अगेन 2, डी के लिए आंसर 1 एंड फॉर ई एफ इट इज 1। अगेन आई वुड टेल दैट सपोर्ट काउंट दैट मींस सेट ए कितनी बार इस टेबल में आ रहा है, दैट मींस 1, 2 एंड 3। सो आई एम राइटिंग हियर 3। सो सिंपली आपने ये टेबल क्रिएट किया। अब आपको मिनिमम सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे 50%, दैट इज वी गॉट द आंसर 2। तो जिसका भी सपोर्ट 2 से कम है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डी ई एफ, उसको आपको मिनिमाइज कर देना है एंड द आइटम्स वी आर लेफ्ट हियर दैट इज ए बी सी। सो यहाँ पे आपको फिलअप करना है ए बी एंड सी, और यहाँ पे इसका सपोर्ट है दैट इज 3, 2 एंड 2। सो इसको हम बोलेंगे L1, दैट इज द आइटम सेट्स विच आर फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग यूजिंग मिनिमम सपोर्ट काउंट कैलकुलेटेड। सो इस L1 का हम यूज करके अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको चेक करना है ए बी सी के कितने सेट बनते हैं विद इन द ग्रुप ऑफ 2। सो आई विल क्रिएट हियर ग्रुप ऑफ 2। सो यहाँ पे सेट्स क्रिएट होंगे लाइक ए बी बी सी एंड ए सी। सो हियर इज ए बी बी सी एंड ए सी। सो आपको 2 के ग्रुप्स में क्रिएट करने हैं यहाँ पे आइटम सेट्स। सो अगेन आपको कैंडिडेट मिला है। अब आपको देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन में ए एंड बी दोनों आ रहे हैं। सो हियर आपको देखना है ए एंड बी। सो I1 में ए एंड बी आ रहा है एंड किसी और में नहीं आ रहा है। सो आई विल राइट हियर 1। सिंपली बी एंड सी किस में आ रहा है, सो बी एंड सी अगेन एक में ही आ रहा है एंड नेक्स्ट वन इज ए एंड सी। ए एंड सी यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन में आ रहा है, I1 एंड I2 में। सो आई विल राइट हियर 2। अगेन कैंडिडेट में से जो फ्रीक्वेंट आइटम्स आपके जो सपोर्ट काउंट को मीट कर जाती है उसको देखना है। सो हियर एक ही ट्रांजेक्शन ऐसा है, लाइक दिस इज द सेट विच सपोर्ट्स अवर काउंट, लाइक हियर इट इज 2 एंड वी गॉट द 2। अब 2 से कम जितने भी है लाइक दिस वी हैव टू कैंसिल आउट दिस एंड सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है ए एंड सी एंड इसका सपोर्ट है 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ए एंड सी है। अब आप इसके जो कैंडिडेट्स नहीं जनरेट कर सकते हो बिकॉज ए एंड सी के कैंडिडेट सिंपल ए सी एंड सी है और इसका सपोर्ट 2 ही होगा। सो आपको एक फाइनल आंसर L2 पे ही मिल गया। अगर सपोज किसी ट्रांजेक्शन में यहाँ पे फ्रीक्वेंट वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको C3 एंड L3 तक भी जाना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट होगा कि हाउ वी विल क्रिएट C1 एंड हाउ इट इज C2। सो एक चीज आपको रिमेम्बर करनी है दैट C1 के अंदर सिर्फ सिंगल सेट्स होंगे लाइक हियर सेइंग 1 एंड C2 के अंदर आपको टू आइटम सेट्स होंगे, वेरेज इन C3 देयर विल बी 3 आइटम सेट्स। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सो अब आपके पास L2 यानी कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आ गए। अब इसको कैलकुलेट करना है एंड आपको रूल्स क्रिएट करने हैं, यानी कि फाइनल रूल्स ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स दैट आर नीडेड फॉर एप्रोरी एल्गोरिदम। सो अब हम क्रिएट करेंगे फाइनल रूल्स। सो आपको जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट मिला है दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेबल को आपको यहाँ पे रिमेम्बर करना है लास्ट मैंने एंड द क्वेश्चन हियर इट इज ट्रांजेक्शन एंड आइटम सेट्स। अब आपको एक टेबल क्रिएट करना है विच कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स, एसोसिएशन रूल, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस परसेंटेज। अब एसोसिएशन रूल क्या है, तो आपको जो फाइनल फ्रीक्वेंट सेट आइटम्स का जो टेबल मिला है उसमें से सेट्स के एसोसिएशन रूल्स बनाने हैं। यानी कि आपके पास ए एंड सी है तो आई हैव ओनली 2 रूल्स, लाइक ए स्टैंड्स टू सी एंड सी स्टैंड्स टू ए। अब ये 2 रूल्स को आपको आगे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड कैलकुलेशन करना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे ए एंड सी है तो हमने 2 रूल्स क्रिएट किए। सपोज आपके पास कुछ टर्म्स है लाइक ए सी एंड डी,
इन मेनी केसेस यू विल गेट द टर्म्स लाइक दिस। तो ऐसे टाइम पे आपके रूल्स कुछ इस तरह से होंगे, लाइक ए सी स्टैंड्स टू डी, ए डी स्टैंड्स टू सी, वेयर एज मेनी रूल्स क्रिएट होंगे। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं दो रूल्स क्रिएट करूंगा। सो नाउ एसोसिएशन रूल में सपोर्ट काउंट सेम रहेगा, दैट इज टू एंड टू, सो आई एम राइटिंग हियर टू एंड टू। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है? सो कॉन्फिडेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए आई हैव अ फॉर्मूला। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है ए स्टैंड्स टू सी, सो इसमें कॉन्फिडेंस किस तरह से कैलकुलेट होगा? देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, आई विल राइट हियर, दैट इज सपोर्ट अपॉन अकरेंस ऑफ दिस, यानी कि ए की बात कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है सपोर्ट अपॉन अकरेंस ऑफ ए। ये इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए, तो उसके अकरेंस टोटल ट्रांजेक्शन में होंगे उसके। सो लेट अस कैलकुलेट हियर, ए स्टैंड्स टू सी, सपोर्ट इज टू, तो कॉन्फिडेंस कैलकुलेट होगा टू अपॉन, लाइक टू इज सपोर्ट एंड अपॉन अकरेंस ऑफ ए, यानी कि ट्रांजेक्शन में ए कितनी बार अकर हुआ है, वन टू एंड थ्री, सो हियर थ्री। So when you calculate 2 upon 3, you will get the answer is 0.66. And in the next, C stands to A, support hai 2 and total occurrence of C in the transaction. So 1 and 2. So 2 upon 2, I get 1. So confidence mil gaya. Ab percentage calculate karne ke liye simply yahan pe jo hai usko 100 se multiply kar do. So you will get 66% and here 100%. So ये आपने table fill up कर दिया। अब आप इस table पे से analyze करना है कि कौन से rules final होंगे, यानी कि हमारा output actually a priori algorithm का क्या है। So आपको minimum confidence दिया हुआ था last में, question में मैंने दिया था confidence, minimum confidence is 50% for this question. So यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस परसेंटेज आ रहा है वो आपको चेक करना है कि 50% से ऊपर होना चाहिए। सो ग्रेटर देन 50% इज 66 एंड 100, यानी कि दोनों एंट्रीज 50% से ज्यादा कॉन्फिडेंस है दोनों एंट्रीज में। सो आंसर होगा ए स्टैंड्स टू सी एंड सी स्टैंड्स टू ए। तो यहाँ पे मैं आंसर्स लिख देता हूँ, यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस, फाइनल रूल it is A stands to C and C stands to A. So this is the output of the a priori algorithm जो हमने sum solve किया, उसका output ये है and this is the answer. So if you have any doubts, आपको किसी भी तरह के questions है तो आप comments कर सकते हो and don't forget to subscribe Well Academy. Thank you so much.